डॉक्टर संजय आप कह रहे थे, भोलानाथ जी मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर संजय आप कह रहे थे कि सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि कुशवाहा चूंकि एनडीए का कोर वोटर होता था, उसको नवादा औरंगाबाद जाएं, लोगों के बीच में बात करें और बताएं कि क्यों कुशवाहा को एनडीए को वोट करना चाहिए। क्या सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और जहां तक सवाल है खुद नीतीश कुमार का, क्या इसमें ये सफल होते नहीं दिख रहे हैं? क्या लालू यादव ने जो प्रयोग किया, लालू यादव उसमें बहुत हद तक सफल हो रहे हैं क्या? अगर नवादा में सफल हो रहे हैं तो ठीक है, उनका काट राजवल्लभ यादव हो गए इसलिए बीजेपी जीत रही है, लेकिन क्या कुशवाहा समाज वाकई आरजेडी के साथ जुड़ गया है और इसलिए आरजेडी भले ही चुनाव हार जाए जीत जाए अलग बात है, लेकिन इतने बड़े नेताओं की मौजूदगी के बावजूद एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या आपको लग रहा है कि कुशवाहा समाज में सेनमारी करने में सफल हो गए डॉक्टर संजय? नहीं, देखिए कुशवाहा समाज बड़ा पॉलिटिकल वोटिंग करता है। अब वो आरजेडी के साथ जुड़े या न जुड़े लेकिन कैंडिडेट से उनका एफिलिएशन होता है। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा तो हैं ही, नीतीश कुमार ने बजाते रोड शो किया, नालंदा नवादा गया में रोड शो किया और एक मैसेज देने की ये कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लॉकुश के तो बड़े नायक माने जाते हैं नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार से बड़े नायक कौन है। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को तो टास्क ही दिया गया था कि मगध में अगर इन सीटों पर अगर किसी भी कारण से अगर एनडीए कमजोर होता है, क्योंकि संगठन और सरकार दोनों जगह इनको ताकत दी गई है, लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि कुशवाहा समाज का वोट बड़ा पॉलिटिकल होता है और इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है कि वो कैंडिडेट के प्रति उनका एफिलिएशन होता है। औरंगाबाद में 2.25 लाख कुशवाहा मतदाता है, बहुत 2 लाख 2.25 लाख राजपूत मतदाता है, तो केवल कुशवाहा के दे देने 1,90,000 यादव मतदाता है। कुशवाहा मतदाता मान लिया जाए कि अगर 90% भी दे देंगे तो सुशील सिंह किनारे लगा दिए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, वहां का समीकरण और भी है। लेकिन नवादा में तो कुशवाहा का वोट अगर मिल भी जाता है श्रवण कुशवाहा को तो क्या फर्क पड़ता है? विनोद यादव ने तो लड़कर के यादव का खेल बिगाड़ दिया है, दो दो एमएलए आरजेडी के और एक एमएलसी उनके साथ, तेजस्वी के मंच तक वो नहीं गए, घूमते रहे, बगावती तेवर में रहे कि भाई जो करना होगा आप कर लीजिएगा, वो गिट्टी या बालू की जो वहां लड़ाई चलती है श्रवण कुशवाहा वर्सेज राजवल्लभ यादव का, वो लड़ाई अभी भी लोकसभा चुनाव में है। तो औरंगाबाद में क्या परिणाम आता है इससे एक लिटमस टेस्ट उपेंद्र कुशवाहा का और सम्राट चौधरी का होगा कि क्या आप चीजों को प्रभावित कर पाए या नहीं कर पाए। लेकिन कुशवाहा मतदाता का ये ट्रेंड रहा है, पिछली बार भी जब उपेंद्र प्रसाद लड़े थे तो मैक्सिमम 60-70% कुशवाहा लोगों ने वोट किया था उपेंद्र प्रसाद को, तो कुशवाहा मतदाता अपने कैंडिडेट को वोट किया करते हैं, बाद में वो एफिलिएशन अपने नेता से दिखाते हैं। औरंगाबाद में सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा का क्या प्रभाव पड़ा ये तो आने दीजिए परिणाम।